यहाँ नहीं लेके जा रहे। अरे बुलाएंगे तो क्या किया, ऐसा किया लफड़ा करेंगे ना। अस्पताल गए सबसे पास, तो चलो फिर ले जाया जाए फिर इन्हें अस्पताल। किसने देखा मारते हुए? हेल्पलाइन को फोन करना फटाफट। यार मैं इंतजार कर लूंगा, इसको चोट लगी है वो कैसे इंतजार करेगा, बात करेगा 50 मिनट। भाई छुड़वा दो यार, आदिवासी लोग हैं भाई का लोग। एक सौ आठ कह रही है सर 50 मिनट में। फोन कर करके थक लिया, अपने पास जो है 26 किलोमीटर दूर है। दो जन आ जाओ इसको हॉस्पिटल तक तो ले चलो। मनोरंजन हो रहा है, एक बंदा उठाया नहीं जा रहा। तुम लड़कियां बढ़ती हैं पर कम लड़कियां बढ़ती हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की भाग जाती है, याद ही बढ़ती है ने तो भाग जाती है। हमारी लड़की 16-17 साल में शादी हो जाती है। 16-17 में? अभी भी 15 में हो जाती है। लीगली तो अलाउड नहीं है 15-16 साल में शादी करना। ना लीगली बनो, लड़की उनकी इच्छा से नहीं कर सकती उनकी शादी, वो लड़का पसंद नहीं कर सकती है, उनका माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। छूट छाट नहीं हुई है, जाओ भागो ना। बट पढ़ाई लिखाई का मतलब से अकल भी तो आती है, तो जो पढ़ती हैं उनका ये थोड़ा है कि वो भाग जाएंगे। बाहर भेजोगे तो लड़की को लड़के के साथ प्यार हो जाएगा, चल जाएगा। प्यार किया तो क्या डरना भाई, चले जाएगा। खेती काम ने बजू करी हमारी जात में जिंदाबाद, कोई सपोर्ट नहीं आया हमने। 20 किलो का 20 रुपया मिलता है, एक बजे 1:30 बजे तक काम करता है, 6 रुपया मिलता है। तो आप लोग किसी से बोलते नहीं सरपंच को? कुछ सब भी बोलता है, सरकार भी क्यों ध्यान नहीं देता है, कुछ भी नहीं सुनता है सरकार। हमारे पास कोई यहाँ आता भी नहीं, कोई नहीं, पहली बार आप आया है यहाँ। आपको 3,000 रुपए महीने का मिलता है? सारा दिन पूरा भरो तो 3,000 मिलता है, कोई तबियत खराब होती है तो 3,000 ही नहीं मिलता। मेहनत किस तरह करते आप देखते हो ना, चलो जाइए। पैसा तो कई आउत देते खावा जोवी दो बार जना खाना रा, हम एकला काम करवा वाला छोकरा मजदूरी करे है। इनको इनके हिस्से का पैसा नहीं मिलता, इनको सिर्फ 100 रुपये मिलता है दिन का, जिसमें 9 घंटे लोग काम करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज बिलो एन एम्प्लॉयमेंट रेट, दैट्स बिलो एन एम्प्लॉयमेंट प्राइस, एंड दैट्स बिलो ह्यूमन एंड मॉरल ग्राउंड्स ऑफ वर्किंग हार्ड। मेरा नाम शुभ है। शुभ, शुभ दिवाली जैसा था मालूम है। दिवाली मनाते हो? दिवाली सी आई टोल्ड यू हिंदी इंग्लिश, हिंदी पीपल कम एंड स्पीक्स इन हिंदी, आई कांट अंडरस्टैंड। खाली कोई मेरा बात समझे तो थोड़ा इजी हो जाए। इधर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज। ये कौन सा जगह? जगह का नाम क्या है? मेरा नाम यासिन। हम सब नहीं ऐसा हो सकता कि एक भाषा बोले जो हर कोई बोलता है। एंड लैंग्वेजेस इज आल्सो हिंदी is must to our people. वो मेट में वो खंडन मिट्टी एरिया है, पूरा आदमी वो सब मर गया ना, वो समुद्र का पूरा सुनामी है। यू ओनली वन मैन इधर आते 236 रुपए हम इधर आते हैं। गवर्नमेंट नो कुछ नहीं है, नो करंट इलेक्ट्रिशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है। अभी ये रोड बनाया 52 ईयर्स में, रोड बनाया, रोड ओपन नहीं है, ओनली में डिपार्टमेंट गाड़ी है। डिपार्टमेंट रोड हो गया, हमारा मछली वाला रोड नहीं है। பாக்காத கவர்மெண்ட்ல கலெக்டர் வேற போயிட்டு வந்திருக்கிறேன். டிஎஸ்பி கேட்டா எஸ்பிடி கேட்க சொன்னாங்க, எஸ்பிடி கேட்டா ஐஜி கேட்க சொன்னாங்க, ஐசி கேட்டா எஸ்ஐ டப்போங்க அப்படிங்கிறாங்க. இதே போய் போய் என்னுடைய வாழ்க்கையே இந்த அலைச்சல்லையே 5 மாசமா முடிஞ்சு போச்சு. இனி இந்த 5 மாசம் முடிஞ்சு இனி 6வது மாசமா இன்னைக்கு தான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கேன், நீங்க வந்ததுனால இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கேன். யாச்சும் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற போன என்னுடைய ஆசையில தான் இந்த ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுனேன். நீ வாழ்த்தோன்னு இனி திரும்பி தனுஷ்கோடி ஒரு சிட்டி ஆகும்போது வந்து பார்த்தா சரிங்க. हाँ, मैं आपको बता बोल।
कॉलेज होना बहुत जरूरी है, बच्चों को बहुत परेशानी होती है बाहर जाके पढ़ने में, और ऐसा बमनी में बहुत दूर पड़ता है ना, तो ये बात अम्मा बहुत अच्छा बोली थी। कॉलेज होना कम से कम ये 80% बच्चे ना पढ़ ही नहीं पाते, बाहर भी कर लिए बैठ गए घर में, इंसान गरीब है तो मैं बाहर नहीं पहुँचा नहीं पहुँचा सकते, और उनके लिए लड़की को भी नहीं पहुँचा सकते, कॉम्पिटिशन का जमाना है, हर बच्चे चाहते हैं कि हम भी कॉलेज कर सकें। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो आप जैसे गांव वालों की मदद करना चाहते हैं, अगर सरकार कर दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार ना करना चाहे और कोई देशवासी खुद से उठ के करना चाहे, तो कई ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो एक काम कर जाने की उनका खुद का जो चैरिटी का पैसा है एक सही जगह जाए। हमारा काम है आपकी आवाज़ पहुँचाना, ये मैं जरूर करूँगा। शासकीय अर्धशासकीय हो या प्राइवेट कोई भी हो, जो आपने बात उठाई है वो एक शुरुआत है, भगवान करे ये कामयाब हो जाए। हमारी तो हार्दिक तमन्ना है और ईश्वर से प्रार्थना की एक कॉलेज टाटरी में खुलना बहुत जरूरी है, बस हमारे बच्चे के लिए ना आप भविष्य बना दोगे ना। बच्चे से पूछो, आप बूढ़े से पूछो, माँ से पूछो, बहन से पूछो, हर कोई यही कहेगा कि हम भारत से आजाद होना चाहते हैं। Thank you.